ही पढ़ लेते फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट इन फिक्स्ड कैपिटल ये बात हाँ तो देखो इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एज नेम सजेस्ट दैट द कैपिटल बैलेंसेस विल रिमेन फिक्स्ड अंडर दिस मेथड एडजस्टमेंट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑल द एडजस्टमेंट्स इन सेपरेट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स करंट इसमें क्या नहीं समझ में फिक्स्ड कैपिटल का मतलब पता है फिक्स कैपिटल में क्या होता है पार्टनर्स मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड करंट अकाउंट क्यों क्योंकि दे डोंट वांट द कैपिटल टू चेंज फॉर इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल कैपिटल जो डाला वो अलग दिखना चाहिए और उसपे चेंजेस हुआ वो अलग दिखना सो ऑल द चेंजेस वी डू इन करंट इज व्हाट एक्चुअली पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली उसमें क्या होता है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर ड्रॉइंग कैपिटल का हिस्सा है लेकिन साथ में नहीं अलग अलग जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कितने ड्यूरेशन करेगा वन एंड हाफ आवर सब डाला है ग्रुप में कॉपी करने के लिए कुर्सी वाली जगह चलो करो डिस्कस नेक्स्ट प्रो फॉल्स देखा सब पढ़ा एकदम रट्टा नहीं मारना वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है मीनिंग समझना है और वर्ड्स में भी लिख सकते हो दो बार पढ़ के लिखा पूरा लिखा तो सेम टू सेम पांच मार्क गारंटी ऐसा है 19-20 लिखा तो चार प्रो फॉल्स में पांच आने का गारंटी बहुत कम है पांच में से चार ही आएगा मैक्सिमम ऐसा है सो प्रे दैट वो ना आए चलो इसमें से कुछ भी आ सकते पढ़ लो बोल रहा हूँ इसके लिए अभी पढ़ लो रीड कर लो राइट नाउ नेक्स्ट वंस बड़े आगे फाइंड द ऑड वंस फाइंड द ऑड वन आउट वेजेस सैलरी रॉयल्टी इंपोर्ट ड्यूटी क्यों ये पीएनएल बाकी ट्रेडिंग पोस्टेज स्टेशनरी एडवर्टाइजिंग परचेजेस माय बाकी पीएनएल कैपिटल बी आर रिजर्व फंड बैंक ओवरड्राफ्ट बाकी लाइब्रेरी बिल्डिंग मशीन फर्नीचर बीपी बाकी डिस्काउंट रिसीव डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट रिसीव डेप्रिसिएशन बाकी इनकम कंप्लीट द सेंटेंस पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप क्रेडिट स्कोर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इन डैश इन इंडिया ऑप्शनल वेरी गुड इन इंडिया इट इज ऑप्शनल In India it is optional, but in Maharashtra it is compulsory. Pipe मारेगा 200. बहुत शाड़ा है सबको मालूम पोकट का मारेगा पाइप Now partnership business must be lawful. ड्रग्स का धंधा नाम करके पार्टनरशिप भी बना सकते It should be lawful, legal. Liabilities of partnership in a form is unlimited. Try just do it again and I'll find you. The balance of drawings account of a partner is transferred to his
डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल में इट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म पार्टनर्स आर डैश लायबल सो दैट इज जॉइंटली एंड सेवरली व्हाट इज जॉइंटली एंड सेवरली बताया वो बोला था अगर एक का है तो हाँ वन फॉर ऑल फॉर वन समझा वन फॉर ऑल फॉर वन सर अगर एक ने कुछ गड़बड़ कर दी तो सबको भुगतना है और सबने गड़बड़ की तो सबको भुगतना ही है तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज दिस क्लियर पार्टनरशिप डीड इज अ डैश ऑफ पार्टनरशिप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप ये आ चुका है बोर्ड्स का काफी स्टूडेंट ने गड़बड़ की थी लिसन पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप व्हाट आर आर्टिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशन तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप आर कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड समझा कोई कोई लोग अग्रीमेंट लिख के आते थे उसको रॉन्ग भी दिया है तो पार्टनरशिप डीड इज व्हाट आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप देन विड्रॉवल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड टू हिज अकाउंट कमीशन पेबल टू पार्टनर इज अ डैश टू द फर्म लायबिलिटी देना बाकी है व्हेन पार्टनर्स अडॉप्ट फिक्स कैपिटल मेथड देन दे हैव टू ऑपरेट पार्टनर्स करंट इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी डेबिट बैलेंस मतलब हस्ती मत करो पोकट का इज्जत से बोल रहा हूँ अभी ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो एक बार कर रहे हो घर पे देखोगे नहीं देखोगे तुम्हारा मर्जी और ऑब्जेक्टिव 15 मार्क का आने वाला है सॉरी 20 मार्क का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव बोर्ड्स में अभी तो 6 मार्क का है बोर्ड्स में तुम्हारा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और 20 में से 5 भी गया ना 5000 स्टूडेंट नीचे जाओगे सीधा अभी क्या सब मस्ती निकल जाएगा उधर तो 5 लाख रुपया देके डोनेशन देके जाना पड़ेगा वो रहेगा तो डालो नहीं तो फिर हल्का कॉलेज पार्टनर्स अडॉप्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन दे हैव टू ऑपरेट डैश अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस इट इज ऑलवेज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी डेबिट बैलेंस मतलब एसेट एक्सपेंसिस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंस वो छोटा वाला 5 दिया है तो ऊपर जाएगा मतलब परचेज सेल वाला है वो शैंपेन कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग नेचर आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स हर साल वाला रेवेन्यू वन टाइम आ रहा है कैपिटल रिसीट्स बराबर रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज एक्सपेंसिस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू प्रीपेड एक्सपेंस assets which are held in the business for long period fixed assets trading account is prepared on the basis of dash expense direct expense when commission is allowed to any partner it is a dash for the expenditure when goods are distributed as sample it is treated as advertisement expense one sentence I'll give you 10 minutes पूरा गो थ्रू करो क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो आंसर आपको आता रहेगा आंसर लेकिन इंग्लिश टूटा फूटा रहेगा वो इंग्लिश ध्यान से देखो उधर क्या रीजन है कैसा लिखना है क्या लिखना है देख लो अगेन वन सेंटेंस आ सकते हो आया भी है बोर्ड्स में 5 मार्क का आया है 5 वन सेंटेंस एक लाइन में लिखना है आंसर बट उसमें भी 5 में से 4 ही देता है मैक्सिमम फुल नहीं देता है ये सेम टू सेम आया तो पूरा मिलेगा 5 सिंपल है तो पढ़ लो अभी 10 मिनट्स दे रहा हूँ ध्यान से पढ़ो मेरा इसमें बोला ना कुछ भी आ सकता है इसमें से अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन कम ऑन हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड फॉर मोर देन 1 ईयर 2, 3, 4 इट इज शोन एज एसेट एंड रिटर्न ऑफ ओवर चलो गाइस क्विक एफोर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिगरेट्स नो बिजनेस करे पार्टनरशिप सिगरेट्स आर लीगल लाइसेंस परमिट लाइसेंस एंड परमिट सिगरेट इज लीगल लिकर इज लीगल लीगल
चलो फर्स्ट बट इट्स अ डूम्ड बिजनेस इन इंडिया. सिगरेट से लिखकर है ना डूम डूम. हर साल उसपे कॉस्ट बढ़ती जाता है, टैक्सेस बढ़ते ही जाते हैं बढ़ते जाते. मैं अपना ही एक्सपीरियंस से बोल रहा है. When I was young, like of your age, that point of time we used to see people all around the roads, corners, everywhere they used to smoke. अभी धीरे धीरे बाद में उसमें कम होते गया रोड पे दिखता ना लेकिन कम हो गया. नहीं अरे तुमने देखा नहीं पहले कैसा था रोड पे चलते चलते कितना ऐसा फूकते फूकते निकलता था. अभी खाली तुमको पान पट्टी के आजू बाजू दिखेगा या फिर ऑफिस में स्मोकिंग जोन बना दिए. पहले खुलेआम ऐसा बाहर गैलरी में आके पब्लिक स्मोक करता था, घर पे स्मोक करता था, मॉल्स में स्मोक करता था, बाहर स्मोक करता था, रेलवे में कितना लोग स्मोक. रेलवे में देयर यूज्ड टू बी एन एशट्रे अटैच टू द विंडो इन एवरी कंपार्टमेंट. आई सीन दैट रेलवे का डब्बे में लोकल ट्रेन में ट्रेवल किया उसमें खिड़की रहता ना उसका नीचे देयर वाज यूज्ड टू बी एन एशट्रे. पीपल यूज्ड टू स्मोक इन द ट्रेन एंड उसके लिए एशट्रे बना अटैच एशट्रे लोखंड का. एवरी रेस्टोरेंट यूज्ड टू हैव एन एशट्रे. आपको टेबल के साथ एक एशट्रे मिलता था. एवरी होटल रूम वो तो अभी भी रहता है होटल रूम में एशट्रे एशट्रे बना रहता है. सो वो सब गायब हो गया. सो इट इज ऑल डिक्रीजिंग 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 डे बाय डे डे बाय डे. इट्स अ डूम बिजनेस. एयरलाइन इज अ डूम बिजनेस. सिगरेट इज अ डूम बिजनेस. लिकर इज अ डूम बिजनेस. हाँ इट्स अ गुड थिंग. एयरलाइन का बाद में अलग स्टोरी है. चलो बोलो बोला सब सब वही बात ये पढ़ लो अभी वन सेंटेंस देख लो बड़ा चलो चलो क्विक क्विक पास पास अरे सर ये नहीं अच्छा रोहन सर हमने शुरू की थी डू इट कम ऑन गो थ्रू द वन सेंटेंसेस. क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो समझ में आ रहा है कि नहीं देखो खुद को समझाओ. नहीं समझ रहा है तो मेरे से पूछो. वन सेंटेंस ही अनलिमिटेड तो होना चाहिए. ज्वाइंट सेवरल ऑप्शनल. नेचर ऑफ लायबिलिटी पूछा तो अनलिमिटेड फिर ज्वाइंट एंड सेवरल ऐड करो. पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है आपके डीड में होना चाहिए. डीड इफ द डीड इज साइलेंट एक्ट गारंटीज ओनली टू थिंग्स इक्वल रेशियो एंड 6% इंटरेस्ट ऑन लोन. बस बाकी कुछ भी कंपल्शन नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कंपल्सरी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट कंपल्सरी. सैलरी टू पार्टनर इज नॉट कंपल्सरी. ये इसमें से कोई भी चीज कंपल्सरी नहीं. कंपल्सरी खाली क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और लोन पे इंटरेस्ट 6% इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट. बाकी कुछ भी एंटाइटल नहीं है. एंटाइटल मतलब मिलना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं. पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू एनीथिंग.
सर माइनर पार्टनर नहीं है ना? माइनर पार्टनर हो सकता है इफ ऑल द पार्टनर्स आर अग्रीएबल ऑन दैट, बट ही विल नॉट गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश टिल द पॉइंट इज 18 इयर्स ऑफ एज, हिज गार्डियन और पेरेंट्स विल गेट। उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहता है, माइनर एज अ पार्टनर का लायबिलिटी इज लिमिटेड, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी कैनॉट गेट। कॉमन पार्टनरशिप दोनों को तुमको था आईसीएससी में था छोटा सा बैंकिंग। चलो गाइस क्विक हो गया नेक्स्ट वन। देखो अग्री डिसअग्री पे आ जाओ। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट पार्टनरशिप प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, कौन सा रेशियो है? इक्वल। अग्री डिसअग्री में रीजंस नहीं चाहिए, ट्रू ऑफ फॉल्स में रीजंस चाहिए। सो प्रे दैट यू हैड अग्री डिसअग्री एंड नॉट ट्रू ऑफ फॉल्स, वो खाली प्रेयर ही काम है। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, डिसअग्री कैन शो बोथ। इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग, डिसअग्री कैन बी वर्बल और रिटन, ओनली कंपल्सरी रिटन इन महाराष्ट्र। देन पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, अग्री प्रॉफिट मेकिंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म, अग्री। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, अग्री। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन, एंटाइटलमेंट कंपल्सरी कुछ नहीं। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अग्री। नाम में लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1945, 1932। पीएनएल अकाउंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, डिसअग्री। बैलेंस शीट पोजीशन पीएनएल नेट रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट। अमाउंट बोरोड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट, अग्री। ड्रॉइंग्स सोल्ड बट अनडिस्पैच्ड बेच दिया लेकिन माल अपने पास पड़ा है, मस्ट बी अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो अपना स्टॉक नहीं है सामने वाले का। भले ही फिजिकली माल अपने पास पड़ा है लेकिन सेल तो हो गया, सेल हो गया मतलब अपना ओनरशिप गया, वो अपना माल नहीं है। देन कैरेज इनवर्ड इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फॉल्स। कैरेज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनवर्ड तो परचेज रिलेटेड ट्रेडिंग। ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट, डिसअग्री। ये है ना आपको वर्टिकल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है एक्चुअली। ऑपरेशन प्रॉफिट है ना, ऑपरेशन प्रॉफिट उसका मतलब क्या होता है? फाइनल प्रॉफिट जो रेगुलर ऑपरेशन से आता है, मतलब उसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, नेट प्रॉफिट भी आ गया, लेकिन नेट प्रॉफिट में ना, नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन प्रॉफिट में थोड़ा सा फर्क है। नेट प्रॉफिट में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी लेते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये क्या हर रोज होंगे, अभी हर साल होंगे? नहीं, इनको हटा देंगे तो जो प्रॉफिट मिलता है ना उसको बोलते हैं ऑपरेशन प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट से थोड़ा ऊपर आता है ऑपरेशन प्रॉफिट, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होता। सॉरी, वो लास्ट टॉपिक में आएगा वर्टिकल स्टेटमेंट्स। ओके, तो वापस बताऊंगा। तो याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट अलग है, ऑपरेशन है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो अलग है, एंड नेट प्रॉफिट अलग है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। Then, all financial expenditures are debited to P&L account. Agreed. Pre-distribution of goods is debited to trading account. Credited, debited to P&L. ये वाला tricky है, दो calculator following है. Under valuation of closing stock by 10%, closing stock was 30,000, find the value of closing stock. याद है single entry में क्या था ये? अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू क्या करने का? 100 लेके करने का, ओरिजिनल एंड अंडर वैल्यू। कुछ याद आ रहा है ये? ओरिजिनल क्या लगेगा आप? 100। अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू याद आया? तो ओरिजिनल 100 रुपया था, आपने गलती से अंडर वैल्यू कितने कर दिया? 10%, मतलब ये 90 कर दिया। कभी भी अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू दिया है तो ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपया लेने, अंडर वैल्यूड है तो 100 का 90 हो गया गलती से, और ओवर वैल्यूड है तो 100 का 110 हो गया। यहाँ पे क्या दिया? अंडर वैल्यूड था, तो मींस स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू 100 है, आपने गलती से 90 बताया। अब ऊपर देखो वैल्यू क्या दिया, तो वो ये गलत रहा, गलत के नीचे लिखो तो ये कितना हुआ? 30,000 × 100/90, दैट इज 33,333, दैट्स योर आंसर।
समझा। कभी भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में स्ट्रेट परसेंटेज एडलेस नहीं करना। मैं आपको बोलता स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो 100 का हो गया 110, 110 के नीचे लिखते 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करते और मिल जाता एक्चुअल वैल्यू, समझा 27,000। ये वाला क्लियर है? ओवर वैल्यूड 30,000, व्हाट इज 100, 33,333। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड घड़ी घड़ी आएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट डेथ में वापस आएगा, वापस तभी एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा 100 लेके करने का याद रखना, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यू। कैलकुलेट 12.5% एवरी, शॉर्टकट बताया था इसका, 1/8 ऑन 220,000 फॉर 1 ईयर, सीधा 220/8 करो, मिल गया कितना है 27,500 एंड 10,000 फॉर 6 मंथ्स, तो 10,000 पे डिवाइड बाय 8 करो और उसका आधा कर दो 6 मंथ्स है ना, तो 625, समझा? आई थिंक दैट्स इट, स्टैंडर्ड इफ में और दिया है ना, आई थिंक बस यही है, दो ही थे कैलकुलेटर और है ना, 5 है, कोई नहीं है, नहीं किया है, नहीं आप स्टैंडर्ड इफ में और है ना, 3 ऐप में नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड इफ में तो है, बोल रहा हूँ मैं, सुन लो, घर पे चेक कर लेना। इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा ये भी अच्छा है, स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देते हैं, ये आया भी है एग्जाम में। थर्ड वन, इंश्योरेंस प्रीमियम, पीडीएफ ओपन कर लो। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर ईयर एंडिंग 1st September अमाउंटेड टू 1500, कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग द ईयर एंडिंग इज 31st March। देखो स्टैंडर्ड इश्यू पीडीएफ ग्रुप में है ना, पीडीएफ क्या पेज नंबर है 54, स्टैंडर्ड इश्यू पीडीएफ निकालो पेज 54। देखो इंश्योरेंस का वैल्यू है 1500, ये 12 महीने का है, कौन सा ईयर एंडिंग है 1st September को ईयर खत्म हुआ है इंश्योरेंस का, और आपका कब खत्म हो रहा है 31st March, तो कितना मंथ्स का एक्स्ट्रा हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दैट्स इट 1st September तक, तो 12 महीने का 1500, तो 5 महीने का कितना (5/12) दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना ना ना 625 ऐसा 625 समझा 1500 रुपया 12 महीने का, वो तो हर बार रहता है ईयर एंडिंग, बट कौन सा ईयर एंडिंग, कौन सा ईयर एंड 1st September, पढ़ो क्वेश्चन में दिख रहा है, इंश्योरेंस का साल का